नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द BIT यूट्यूब चैनल पर। और आज जो थंबनेल से पता चल रहा है आपको कि नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, पार्ट टू, और ये लास्ट पार्ट होगा। एक्चुअली इस पार्ट में हम लोग जो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके रिवीजन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के रिवीजन कर रहे हैं, हर एक फैक्ट्स का, उसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, नदी हो, झरने हो, तालाब, पोखर, क्या उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, नेशनल पार्क हैं, क्या पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन एक्चुअली नहीं देखते हैं, लेकिन बेसिकली उसका देखेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा, इन सब चीज़ों का, है ना। तो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं आज, वो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न से। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या हमने पार्ट वन में बनाया है। पार्ट वन में सबसे पहले इधर संथाल परगना डिवीज़न बना लिया, कोल्हान डिवीज़न और पलामू डिवीज़न, मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिए थे। संथाल परगना के 6, कोल्हान के 3 और पलामू के 3 डिस्ट्रिक्ट, इन 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर चुके थे हम लोग पार्ट वन में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो इधर राइट में जो लिंक आपको दिख रहा है आता हुआ, राइट से स्वाइप होता हुआ, आई बटन पर जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक बहुत अच्छा रिवीजन पर्पस से सब हर एक जानकारी को एक जगह कोशिश किया हूँ इकट्ठा करने का, और वहाँ से आप लोग को एक अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीज़न में जो ज़िले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद। देखिए यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले एक बार रिविज़न मैं करा देता हूँ, कहाँ कहाँ कितने हैं। संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, कोल्हान डिवीज़न में 3, पलामू में 3, नॉर्थ छोटा नागपुर में 7, और 5 जो बच जाते हैं वो साउथ छोटा नागपुर में है। तो ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट, 7 जो डिस्ट्रिक्ट हैं नॉर्थ छोटा नागपुर के, उसके बारे में देखने वाले हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो हजारीबाग है। हजारीबाग में क्या है, इसकी फॉर्मेशन हुई 1834 को, जो हजारीबाग को बनाया गया, ये आपके सामने मैप दिख रहा है यहाँ पर। और हजारीबाग में ये जो येलो कलर का दिख रहा है, वो बेसिकली रूट्स हैं ना, वो नेशनल हाईवे हैं जो कि दिखाया गया, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये नेशनल हाईवे है, टू रांची चला जाता है इधर से, इधर टू तोपचांची, ये धनबाद जाने वाला रूट है ना, और ये बिहार जाने वाला, ऐसा। तो फॉर्मेशन इसकी कब हुई, 1834 को, हेडक्वार्टर इसका हजारीबाग ही है। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, 69.75 या रफली आप 70% याद रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका है, तो रांची का विथ लाइक 76%, है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। और सबसे कम किस्म का है, पाकुड़ का 48% समथिंग, है ना, ये दो चीज़ याद रखनी है। हजारीबाग की लिटरेसी रेट 70% अप्रॉक्सीमेटली। सब डिवीज़न की अगर बात करेंगे तो 2 सब डिवीज़न है, हजारीबाग और बरही, 2 सब डिवीज़न है हजारीबाग और बरही। इसमें अगर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो 16 ब्लॉक हैं टोटल। कितने ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक हैं। असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कितने असेंबली, मतलब विधानसभा क्षेत्र, मतलब कितने MLA चुने जाते हैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, तो 4 MLA चुने जाते हैं, 1 हजारीबाग से, दूसरा बरही से, तीसरा बड़का गांव से, और चौथा है बरकट्ठा से। ये 4 जो असेंबली एरिया हैं वो हजारीबाग के अंदर आते हैं। अगर रिवर की बात करें तो बहुत ही एक फेमस रिवर जो है वो है दामोदर इस क्षेत्र में, और दूसरा बराकर। दोनों की खासियत ये है कि एक तो दामोदर कहाँ से निकलती है, मैं बताऊँगा आगे क्या खासियत है इसमें, क्या है, है ना, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है हजारीबाग में। तो दामोदर निकलती कहाँ से है, लातेहार, टोरी लातेहार से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रख लीजिए इसको, क्योंकि इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ इसको। बराकर कहाँ से निकलती है, तो पद्मा हजारीबाग प्लेटियों से, हजारीबाग के पठार से। और बराकर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से। कहने का मतलब है कि बराकर नदी के किनारे जो है ना, बैंक ऑफ बराकर रिवर से बहुत सारे ऐसे तथ्य या रिमेंस मिले हैं जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को इन नदियों के किनारे बसा हुआ हो, या इस चीज़ को दिखाता है। अगर मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, तो बहुत सारे मिनरल्स हैं हजारीबाग में। कोल मेन रूप से जो है, मेन रूप से पूरे झारखंड में ही है हजारीबाग में, क्या, लाइमस्टोन, माइका, क्वार्ट्ज, फिल्डस्पार, फायर क्ले, जिंक, टीन और टंजस्टन, आयरन और भी ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं। टूरिज़्म की बात करें अगर, तो टूरिज़्म में सबसे पहले जो है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, जिसका निर्माण या बोल सकते हैं जब बनाया गया वो 1976 में बनाया गया। कब, 1976 में। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुख्यतः कौन से जानवर हैं, है ना, ये किस जानवर को
बचाने के पर्पज से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हजारीबाग में है, इसमें मेनतः जो दो जानवर पाए जाते हैं, लियोपार्ड तेंदुआ और दो है जो डियर, हिरन और सांभर। ये तीन तरह के हैं, तेंदुआ, डियर और सांभर, लियोपार्ड, डियर और सांभर, है ना। और जो यहाँ पर है सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला हो जाता है, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं तो घुमा फिरा के आज कभी ये डेटा तो कभी ये डेटा पूछ ही दिया जा सकता है। कहता है सूरज कुंड गर्म जल कुंड, हॉट पूल है ये, है ना, ऐसा जगह है जहाँ से गर्म पानी निकलती है। ये सूरज कुंड हजारीबाग में जगह है। कहा जाता है कि इंडिया का सबसे हॉटेस्ट वाटर पूल है ये, सबसे ज़्यादा गर्म जल कुंड है, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस या 190 डिग्री फ़ारेनहाइट पे यहाँ पे पानी निकलती है। तीसरा है रानी बहाल हॉट पूल, यहीं पर है। कोनार्ड डैम देखिए ये बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे वजहों से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टूरिज्म प्लेस हैं। कोनार्ड डैम हो गया, इस्को केव, यहाँ इस्को केव से और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि इस्को पेंटिंग यहीं पे पाई गई है ना, इस्को पेंटिंग पाई गई है। और एक बार पूछा जाता है कि कौन से जगह से, वो कौन ऐसा जगह है जहाँ से ये नाव या कुछ इस तरह का पेंटिंग, पुराने पेंटिंग्स पाए गए हैं, तो ये इसको गुफा ही होती है, इसको केव जो बोलते हैं भैया, बरसों पानी यहीं पर है। पद्मा का किला यहीं पर है, बादम का किला यहीं पर है, और शहीद निर्मल महतो पार्क ये भी यहीं पर है। बोकारो वाटरफॉल, देखिए बोकारो वाटरफॉल, नाम बोकारो वाटरफॉल है, पर है कहाँ पर, हजारीबाग में। टाइगर वाटरफॉल ये कहाँ है, बराकर रिवर में है, और बराकर रिवर मतलब हजारीबाग में है टाइगर वाटरफॉल। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो घूमने की जगह हो सकती है, डेस्टिनेशन हो सकती है टूरिज्म के पर्पज़ से। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, VBU का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तो आपका ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर BSF का एक ये है कैंप कह सकते हैं, मेरू में है ये, है ना। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बरही में है, है ना। इसको बनाया कब गया, कब उद्घाटन किया गया, तो 2015 में किया गया है, ठीक है। सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है, PTC, ठीक है। रिवॉल्ट्स की अगर बात करें, हिस्ट्री में अगर जाके देखें तो यहाँ पे कौन कौन से रिवॉल्ट्स रिलेटेड हैं हजारीबाग में, तो सबसे पहला जो 1903 में है वो निर्मल बनर्जी हैं, वो कि इसमें इसने सबसे पहले एक पर्ची में एक स्लोगन लिखा, जिसमें लिखा उसने कि आवर इंडिपेंडेंट भारत, पंपलेट, ऐसा पंपलेट बनाया उन्होंने, जिसका मतलब ये एक्चुअली में लिखा गया था आवर स्वाधीन भारत, है ना, आवर स्वाधीन भारत, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आवर इंडिपेंडेंट भारत। ये इस तरह का पर्चा बना करके पोल में इन्होंने चिपका दिया था, और ये रहने कहाँ, गिरिडीह नगर जगह है, वहाँ के पोल में चिपका दिया था। देखिए PY लिखा हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर का सवाल भी है ये, ठीक है। उसके बाद और भी क्या रिलेटेड है यहाँ पर हिस्ट्री में, तो मनोरंजन गुहा और ठाकुरदा, जिसका नाम उन्हीं को जिनको कहते हैं ठाकुरदा, गिरिडीह के जो रहने वाले थे, उन्होंने हेमेंद्रनाथ फ्रॉम दुमका और एक हेमेंद्रनाथ, है ना, हेमेंद्रनाथ कह सकते हैं, इन तीनों ने फ्रीडम फाइटर को उस समय पे, ये जो दुमका के रहने वाले थे उस समय के फ्रीडम फाइटर्स को फाइनेंशियली इन तीनों ने हेल्प किया था। तो ये एक भी इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सा, मनोरंजन गुहा और ठाकुरदा गिरिडीह के थे, और हेमेंद्रनाथ कहाँ, दुमका के थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने में, कि राम विनोद सिंह के बारे में कौन थे ये, तो इनको हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हजारीबाग का जतिन बाघा, ये पूछा जा सकता है सवाल, या पूछा भी गया है कहीं कोई एग्ज़ाम में शायद। और इनका क्या होता है कि 14 सितंबर 1918 को अरेस्ट हो जाते हैं ये ब्रिटिश के द्वारा, और इसके कारण क्या होता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट बहुत ही बवाल रूप ले लेता है हजारीबाग में। और ये कहाँ के पढ़ने वाले थे, तो कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के पढ़ने वाले थे। तो ये था हजारीबाग का एक संक्षिप्त, एक समरी फॉर्म रिवीजन। इसमें बहुत सारी फैक्ट्स मैंने कोशिश की जहाँ तक हो सके वहाँ तक ले आने का। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखते हैं, रामगढ़।
नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है क्या, रामगढ़। ये बहुत ही लेटेस्ट फॉर्मेशन है, ये 12 सितंबर लास्ट फॉर्मेशन आप कह सकते हैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का ही हुआ 2007 में, है ना। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, 2007 में 12 सितंबर को। अगर इसकी बाउंड्री की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल से इसकी एक बाउंड्री लगती है, बाकी दूसरे स्टेट से नहीं लगती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, रामगढ़ में ही है। लिटरेचर की बात करेंगे तो 73.1% है, कुछ हद तक, बहुत हद तक अच्छा है, है ना। उसके बाद सब डिवीज़न बोलेंगे तो एक ही सब डिवीज़न है, वो कहाँ है, रामगढ़ है। ब्लॉक बोलेंगे तो 6 है। असेंबली बोलेंगे विधानसभा क्षेत्र, तो रामगढ़ और मांडू दो MLA यहाँ से चुन करके आते हैं विधानसभा में। ये आपके सामने पड़ा हुआ है यहाँ पर मैप जो कि रामगढ़ का है, और ये आप येलो कलर में देख रहे हैं, येलो या ऑरेंज जो भी है, हमें तो कलर का प्रॉब्लम है, हमें दिखता नहीं है कलर। तो ये आप जो भी देख रहे हैं ये है आपका क्या NH, एक NH 33 यहाँ से दिख रहा है आपको। NH 33 इसमें हाईवे जाती है, इसमें नेशनल हाईवे, ये तोपचांची की टू रांची चली जाती है एक, और इधर से हज़ारीबाग चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इधर से बोकारो चला जाता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, रिवर, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं रामगढ़ में। तो एक दामोदर नदी है जो कहाँ से निकलती है, तो टोरी से, लातेहार से, कोनार है, भैरवी है, और बोकारो नदी है। तो इतने चार रिवर हैं, मेन रिवर हैं, और छोटे मोटे रिवर भी रह सकते हैं, लेकिन मेन रिवर को हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो मेन रिवर्स में कौन कौन से हैं, दामोदर है यहाँ बहती है, कोनार है, भैरवी है, और बोकारो है, ठीक है। मिनरल्स की अगर बात करोगे तो सबसे फेमस जो मिनरल है वो कोल है, लाइमस्टोन, फिर क्वार्ट्ज, वायर क्ले और फेल्डस्पार, इन तरह का मिनरल यहाँ पे पाया जाता है। इंडस्ट्री अगर देखेंगे तो इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री यहीं पर है रामगढ़ में ही। क्या है, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। टूरिज्म अगर बोलेंगे तो झारखंड में जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसमें टूरिज्म की बात करेंगे तो रजरप्पा वाटरफॉल है, आप रजरप्पा भी जानते हैं कहाँ पे, रामगढ़ जिला में ही है, एक रिलीजियस प्लेस है, है ना। उसके बाद यहीं पे है ये माँ छिन्नमस्तिके टेंपल रजरप्पा में, है ना, रजरप्पा फॉल हो गया और माँ छिन्नमस्तिके टेंपल हो गया। पतरातू डैम है यहाँ पर। उसके बाद चुट्टूपाल वैली, ये देखिए किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, बट ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है। ये कहाँ, ललकी घाटी, इसका दूसरा नाम क्या है, लाल की घाटी, क्या है, लाल की घाटी, है ना, चुट्टूपाल वैली को। तो और अदर कुछ फैक्ट्स की अगर बात करेंगे तो लोवेस्ट एरिया, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कोई है तो रामगढ़ है, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट तो रांची। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें, और लार्जेस्ट कौन सा हुआ, तो वेस्ट सिंहभूम। इसका एरिया कितना है आप ये भी याद रख लीजिए, कम से कम लार्जेस्ट और लोवेस्ट का। लार्जेस्ट का 7,224 किलोमीटर स्क्वायर और लोवेस्ट का 1,341 किलोमीटर स्क्वायर। रिवॉल्ट्स की अगर बात करें तो रामगढ़ में एक मेजर रिवॉल्ट है, घटवाल रिवॉल्ट, है ना, और जो कि 1772 से लेकर 1773 में हुआ। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो 1940 में रामगढ़ कांग्रेस सेशन हुआ था। ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, पेपर वन में भी पूछा जा सकता है, ये पेपर टू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पेपर वन का भी पोर्शन हो जाता है, पेपर टू का भी हो जाता है, ठीक है। गांधी जी यहाँ पे आए थे और वो क्या 11th time, और 11th time उनका क्या था, लास्ट टाइम था झारखंड में आना। इससे पहले 10 बार आ चुके थे, तो गांधी जी कितने बार आए थे झारखंड में, तो 11 बार आए थे, और 11वां बार आए थे रामगढ़ कांग्रेस सेशन जो 1940 में हुआ था उसमें अटेंड किए थे। 3 जून 1917 का इम्पॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट टाइम, देखिए लास्ट टाइम तो हम लोग देख लिए, और फर्स्ट टाइम कब आए थे गांधी जी, तो 3 जून 1917 को। और कौन लेकर के आए थे इनको, किनके साथ आए थे, तो ब्रज किशोर बाबू के साथ आए थे, है ना, और कहाँ, तो रांची में आए थे। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ढंग का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, किसके बारे में, रामगढ़ के बारे में। अगला जिला अब हम लोग देखते हैं, चतरा। अगला जिला कौन सा आता है, चतरा। फॉर्मेशन कब हुई इसकी, 29 मई 1991 को। ये रहा आपके सामने इसका मैप, ये आपको रोड दिख रहा है, टू हजारीबाग चला जाता है इधर से, यहाँ से टू लोहरदगा चला जाता है, और यहाँ से टू बिहार चला जाता है। ये कहाँ है,
चतरा की बात कर रहे हैं तो बिहार गया, तो इसका एक स्टेट तो सबसे पहले बाउंड्री हम लोग अगर बात कर लेंगे तो ये तो बिहार हो ही जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है? चतरा में ही है। लिटरेसी रेट की अगर बात करेंगे तो 60.18% है। ब्लॉक अगर बोलेंगे प्रखंड कितना है तो 12 प्रखंड हैं। और सब डिवीज़न की अगर बात करें, अनुमंडल की बात करेंगे तो अनुमंडल इसमें है 2, चतरा और सिमरिया दो अनुमंडल हैं। कहाँ पे? चतरा डिस्ट्रिक्ट में चतरा और सिमरिया दोनों अनुमंडल है। असेंबली क्षेत्र भी दो हैं, चतरा और सिमरिया, मतलब इसका जो अनुमंडल है वही असेंबली क्षेत्र है, मतलब विधानसभा क्षेत्र है। रिवर की बात करोगे, अगर कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं तो दामोदर नदी है एक, दूसरा पुनपुन नदी है और तीसरा बराकर नदी है। दामोदर के बारे में कुछ फैक्ट्स ये हैं कि सबसे पहले ये तो टोरी लातेहार से निकलती है, ये तो पता है आपको। सबसे लंबी नदी है जो झारखंड में बहने वाली है और सबसे बड़ी नदी भी है ना, सबसे लंबी और सबसे बड़ी। दूसरी बात है कि लंबाई अगर पूछेंगे तो कितना है, तो 368 माइल है, मतलब 368 माइल इसकी झारखंड में लंबाई है और टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 592 है ना। 592 झारखंड के बाद हो जाती है क्योंकि वेस्ट बंगाल में होती है और दामोदर का फाइनल डेस्टिनेशन होता है कि वेस्ट बंगाल में ये हुगली नदी के साथ जाकर मिल जाती है। हुगली वही नदी है जिसमें हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। दामोदर के बारे में एक और चीज़ है कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से इसको इसके नाम से जाना जाता है दामोदर को, ठीक है। पुनपुन कहाँ से? पलामू से निकलती है। बराकर के बारे में बताया ही आपको, पद्मा हजारीबाग के पठार से निकलती है और बराकर रिवर बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर इसको रिलेट करता है बराकर रिवर से, है ना। बराकर रिवर का रिलेशन बुद्धिज्म और जैनिज्म से है। तो कभी भी ऐसा सवाल में कहीं कन्फ्यूजन लगे तो अगर कि ऐसा सवाल पूछे कौन से नदी के किनारे बुद्धिज्म या जैनिज्म के रिमेंस पाए गए, अवशेष पाए गए, तो आप ये गेस लगा सकते हैं बराकर, है ना। मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स में कोल है चतरा में, माइका जो पाया जाता है, अभ्रक, माइका यानी कि अभ्रक जिसको कहते हैं, लाइमस्टोन चूना पत्थर की बात कर रहे हैं, कोल माइका और लाइमस्टोन, ये तीन तरह के यहाँ पर मिनरल पाए जाते हैं। टूरिज्म की अगर बात करेंगे तो टूरिज्म में देखो, इसका टूरिज्म का ही कुछ इंपॉर्टेंस भी है। जैसे कोल्हुआ हिल है ना, दूसरा सहस्त्र बुद्धा टेम्पल है ना, सहस्त्र बुद्धा टेम्पल। कोल्हुआ हिल की अगर बात करेंगे तो ये कोलेश्वर टेम्पल यहाँ पर है, कोल्हुआ पहाड़ पर कोल्हुआ हिल में कोलेश्वर टेम्पल है जो कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को अगेन यहाँ पर शो करता है, ये कोलेश्वर टेम्पल और कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से। सहस्त्र बुद्ध टेम्पल है यहाँ पर टूरिज्म की बात करेंगे तो, है ना। दूसरा, तीसरा हो गया भद्रकाली टेम्पल है, लावालौंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोवा वाटरफॉल है, है ना, गोवा वाटरफॉल, गोवा वाला बीच वाला गोवा वाटरफॉल है। उसके बाद तामसीर वाटरफॉल है, उसके बाद मलुदाह वाटरफॉल है ना, उसके बाद डुमेर सुमेर वाटरफॉल है, उसके बाद केरीदाह वाटरफॉल है और उसके बाद दुआरी हॉट पूल है, दुआरी गर्म जल कुंड है। तो इतने सारे चीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है कहाँ से, चतरा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और विशेष इसका कुछ योगदान नहीं है उस तरह से रिवॉल्ट में, ट्राइबल रिवॉल्ट में चतरा का। तो नेक्स्ट देखते हैं कोडरमा, है ना। कोडरमा में आ जाता है सबसे पहले, ये आपको दिख रहा है कोडरमा यहाँ पर, सॉरी ये आपको दिख रहा है कोडरमा, इसमें जो येलो कलर का या ऑरेंज कलर का जो भी चीज़ है, ये NH-33 जाता हुआ दिख रहा है, ये हजारीबाग में एक जुड़ जाता है और दूसरा बिहार में चला जाता है। तो मतलब ये जैसे ही मैप से मैंने आपको बताया तो इसकी बाउंड्री कहाँ लग रही है, बिहार में। और अगर आप इमेजिन करेंगे कोडरमा किधर है, तो कोडरमा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड का जो मैप है उसमें, आप झारखंड के मैप को ध्यान में बसा लीजिए, संथाल परगना पूरा पूरी नॉर्थ ईस्ट में है, उसके बाद कोल्हान डिवीज़न पूरा पूरी साउथ ईस्ट में है, ठीक है, एकदम नीचे में इधर कॉर्नर में, उसके बाद पलामू डिवीज़न उधर है नॉर्थ वेस्ट में पूरा पूरी, उसके बाद कोडरमा और हजारीबाग, ये नॉर्थ छोटा नागपुर जो है वो नॉर्थ में है इसके, और साउथ छोटा नागपुर कहीं साउथ में है, साउथ में ही बोल सकते हैं, या फिर मिडिल पोर्शन से स्टार्ट होता है रांची से और ये साउथ तक चला जाता है, साउथ वेस्ट तक चला जाता है, ठीक है। तो ये है झारखंड का एक इमेजिनेशन, मैंने जो भी बताया आप एक बार आंख बंद करके वापस से पीछे करके सुन लीजिए तो वो चीज़ें, और मैप को देखिए तो वो चीज़ें याद रह जाएगी आपको, ठीक है। फॉर्मेशन की अगर बात करें, कोडरमा का फॉर्मेशन 10 अप्रैल 1994 में हुआ, बाउंड्री बिहार से मिलती है, कोडरमा इसका हेडक्वार्टर है। लिटरेसी की बात करेंगे तो 66.84% है। ब्लॉक इसमें 6 हैं,
ब्लॉक कितने हैं? 6 हैं। सब डिवीज़न एक है, कोडरमा सिर्फ कोडरमा और असेंबली भी एक है। चतरा में भी देखिए 2 सब डिवीज़न 2 असेंबली, कोडरमा में भी 1 सब डिवीज़न 1 असेंबली, तो ये चीज़ याद। और सेम सेम दोनों में है, कोडरमा और कोडरमा ही है ना। रिवर की अगर बात करेंगे तो रिवर में बराकर है, सकरी है और बरसोती है। तो बराकर के बारे में पद्मा हजारीबाग से निकलती है, बुद्धिज्म और जैनिज्म को ये दिखाती है, शो करती है। सकरी और बरसोती ये दो नदियां हैं मुख्य नदियां। मिनरल्स की अगर बात करेंगे तो माइका पाया जाता है, लाइमस्टोन पाया जाता है और क्वार्ट्ज पाया जाता है। क्या क्या है? माइका अबरक और लाइमस्टोन चूना पत्थर और क्वार्ट्ज पाया जाता है यहाँ पर। टूरिज्म की अगर बात करेंगे तो टूरिज्म में तिलैया डैम है, बहुत ही फेमस डैम। कहाँ पर बना हुआ है? तो बराकर रिवर में है। तो ये कॉम्बिनेशन जो मैं देखिए जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं से है। तिलैया डैम किस में है? तो बराकर डैम में है। उसके बाद गौतम बुद्ध सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। यहाँ पर जो फेमस देखिए 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर, क्या? एक गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा कोडरमा सेंचुरी। कोडरमा का नाम है तो कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हो कहीं, गौतम बुद्ध लेकिन एक एक्स्ट्रा है। गौतम बुद्ध की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो जानवर पाए जाने वाले हैं वो सांबर और नील गाय पाने जाने वाले हैं, ठीक है। और कोडरमा सेंचुरी की बात है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर तेंदुआ यानी लियोपार्ड, सांबर और हिरन पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। और एक और वर्ल्ड सेंचुरी है वो तिलैया बर्ड सेंचुरी, तिलैया पक्षी विहार जिसको बोलते हैं, विहार जहाँ पे रहते हैं पक्षियों को रखा जाता है, विहार है ना, तिलैया पक्षी विहार या तिलैया बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है। कहाँ पर? तो तिलैया जहाँ पर होगा, तो तिलैया कहाँ पर है? तो कोडरमा में है। उसके बाद सतवागन वाटरफॉल कहाँ पर है? तो ये कोडरमा में ही है। कोडरमा में आप देखिए कि एक ही वाटरफॉल है, दैट इज सतवागन वाटरफॉल। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये कोडरमा सबसे कम शेड्यूल ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति वाला पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है, और मात्र कितना है? तो 0.96, टोटल पॉपुलेशन का 0.96, 1% भी नहीं है यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन। तो ये कोडरमा की खासियत है, आप कह सकते हैं खासियत या फिर जो भी इसकी ज्योग्राफिकल एरिया में ये पॉपुलेशन इस तरह का है। उसके बाद मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यूरिंग 10 ईयर्स, और अजीब की बात यह है कि यहाँ पे 10 साल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ किया, कितना? 43.42%। अच्छा, जो भी मैं ये सब डेटा को बता रहा हूँ ये 2011 लास्ट सेंसस का डेटा है ये, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला डिस्ट्रिक्ट जो आ जाता है वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन 4 दिसंबर 1972 में हुआ। इसकी जो बाउंड्री मिलती है वो बिहार मिलती है, हेडक्वार्टर गिरिडीह में ही है। लिटरेसी रेट 63.14% है। ब्लॉक कितना है? तो 13 ब्लॉक हैं, ठीक है, 13 ब्लॉक है। सब डिवीज़न की अगर बात करोगे तो सब डिवीज़न 4 है, जिसमें गिरिडीह सरिया बगोदर सरिया जिसको बोलते हैं, सरिया बगोदर बोल सकते हैं, डुमरी और खोरी महुआ। कौन कौन सा? गिरिडीह, सरिया बगोदर, डुमरी और खोरी महुआ। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग बात कर रहे हैं गिरिडीह की, ठीक है। असेंबली की बात करेंगे तो 6 असेंबलियाँ हैं, गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडे, है ना, गांडे पांडे जो भी है। गिरिडीह, देवघर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडे। रिवर की बोलोगे तो रिवर कितने हैं, कौन कौन से रिवर है इसमें? तो दामोदर, बराकर और सकरी। दामोदर तो बता दिया, टोरी लातेहार से निकलती है, बराकर के बारे में है, पद्मा हजारीबाग से निकलती है, और सकरी नदी है एक जो यहाँ पे, ये 3 मेन नदियाँ हैं। मिनरल्स कोल, माइका और क्वार्ट्जाइट, गिरिडीह है ना। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एक इंडस्ट्री है जो कि भारत माइका इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है यहाँ पर। कहाँ पर? गिरिडीह में। गिरिडीह में भारत माइका इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। टूरिज्म अगर बोलोगे तो टूरिज्म में सबसे फेमस यहाँ पर है, जिससे सवाल कई सारे बने हुए हैं प्रीवियस ईयर, मैं लिख देता हूँ, ये पारसनाथ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जाने वाली है। तो पारसनाथ है कहाँ? गिरिडीह में। पारसनाथ है क्या? तो ये पहाड़ है, हिल है, माउंटेन है, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से बिलोंग करता है, मतलब उनको ये ज़्यादा दर्शाता है, उन्हीं के चलते उनसे इसका रिलेशन है ना। उसके बाद
इसकी ऊंचाई क्या है, ये बहुत बार सवाल में पूछता है, तो आई डोंट नो इसमें पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लेकिन इसको घुमा फिरा के किसी भी तरीके, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट इतनी दे दी है तो ये कौन सी पहाड़ी है, कुछ भी पूछा जाए, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर, 1365 मीटर या फिर 4478 फीट, तो ये इसकी ऊंचाई है। और सबसे पारसनाथ में सबसे ऊंचाई, जो ऊंचाई इतनी है तो पूरे पारसनाथ की इतनी ऊंचाई नहीं है, पारसनाथ में एक सम्मेद माउंटेन है, सम्मेद माउंटेन की ये ऊंचाई है, मतलब सम्मेद माउंटेन जो है वो सबसे ऊंचा है, पारसनाथ में ही एक माउंटेन है, उसका नाम दिया गया है सम्मेद माउंटेन, और उसकी ऊंचाई को लेकर के 1365 या 4478 बोला जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 23rd जैन तीर्थंकर, जो 24 में से देखिए जैन के 24 तीर्थंकर हुए है ना, उनमें जो 23वां था वो लास्ट तीर्थंकर, जो 23वां जो थे वो पारसनाथ में जो निर्वाणा या मोक्ष की प्राप्ति है बोल सकते हैं आप, निर्वाणा जिनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो 23वें आखिरी तीर्थंकर थे जिनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, और कुल 24 में से 20 तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति पारसनाथ हिल में ही हुई, निर्वाणा का निर्वाणा कहाँ पर मिला, पारसनाथ हिल में ही, ठीक है। पारसनाथ को मक्का ऑफ जैन धर्म भी बोला जाता है कि ये जैन धर्म का मक्का है, जैसे मक्का और मदीना हालांकि दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मक्का को बहुत ही पवित्र माना जाता है मुस्लिम धर्मों के लिए, तो उसी तरह से जैन धर्मों का मक्का बोला जाता है इसको, पारसनाथ हिल को। पारसनाथ से याद आया, पारसनाथ सेंचुरी भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर, उसरी वाटरफॉल है जो कि उसरी रिवर में ही बनी हुई है, और कहाँ पर है ये, तो खंडोली हिल पर, कहाँ पर, उसरी के बारे में ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कौन से हिल पर है, कौन से नदी पर है, तो उसरी रिवर पर है, और ये इसकी भी कोई खास हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, रिवॉल्ट में कहीं पार्टिसिपेशन इसका नहीं है, तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज बोकारो। बोकारो की बात करें तो इसको 31 मार्च 1991 में इसको बनाया गया, ठीक है। ये बोकारो का मैप रहा और ये आपका रोड रहा, ठीक है। ये NH-23 है, कौन सा है, ये NH-23 है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी मैं कलर थोड़ा, ये NH-23 दिख रहा है मैप में, है ना, और ये NH-32 है जो कि धनबाद की ओर चला जाता है, और यहाँ से ये वेस्ट बंगाल की तरफ चला जाता है, है ना, और NH-23 जो है वो रामगढ़ को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो NH बोल सकते हैं आप, एक NH-32 और एक NH-23, ठीक है, ये सही। तो बाउंड्री, अगर बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री वेस्ट बंगाल है, ठीक है, बाउंड्री वेस्ट बंगाल हो गया, हेडक्वार्टर बोकारो हो गया, लिटरेसी रेट 72%, अच्छी खासी लिटरेसी रेट है। ब्लॉक इसमें कितने हैं, तो ब्लॉक 9 ब्लॉक हैं यहाँ पर, कितने ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक हैं यहाँ पर, ठीक है। सब डिवीज़न की बात करेंगे तो 2 सब डिवीज़न है, चास और बेरमो, ठीक है, और असेंबली क्षेत्र की बात करेंगे तो 4 असेंबली क्षेत्र हैं यहाँ पर, विधानसभा क्षेत्र हैं जो कि बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदन क्यारी, है ना, बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदन क्यारी, जिसमें कि बेरमो तो एक सब डिवीज़न आ जाता है, ठीक है। रिवर बोलोगे तो 3 रिवर मुख्यतः रूप से हैं यहाँ पर, कौन कौन सा, दामोदर, कुनार और कांजो। दामोदर के बारे में बता दिया कि लातेहार, टोरी लातेहार से निकलती है ये, ठीक है। मिनरल की बात करेंगे तो मुख्य रूप से सिर्फ यहाँ पर कोल है, कोयला पाया जाता है। इंडस्ट्री बोलेंगे तो इंडस्ट्री अच्छे खासे यहाँ पर है, पहला तो इंडस्ट्री बोकारो स्टील प्लांट BSP, जो कि जिसको फाउंड किया गया कब, 1964 को, ये डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसको मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, कौन कि 1964 को बोकारो स्टील प्लांट की फॉर्मेशन हुई। दूसरी बात, गोमिया गन पाउडर फैक्ट्री, मतलब गन पाउडर फैक्ट्री मतलब होता है कि बारूदों की फैक्ट्री, ठीक है। तो गोमिया गन पाउडर फैक्ट्री क्या, सबसे इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पूरे एशिया का पहला गन पाउडर फैक्ट्री बनाया गया, और इसकी उद्घाटन किसने की, तो राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, वो उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और 1958 में किया, कब किया, 1958 में किया, ठीक है। उसके बाद करगाली कोल वाशरी है यहाँ पर, 1958, यही बहुत पुराना है, ठीक है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है जो कि यहीं पर है, तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं।
और टूरिज्म की अगर बात करेंगे तो तेनूघाट डैम है, जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनिक पार्क है, ऑर्गेनिक पार्क देखिए जैविक उद्यान क्या होता है इसका हिंदी, जैविक उद्यान, ठीक है, ऐसे हमें काम नहीं है इसका, हमें काम है सिर्फ क्या ऑर्गेनिक पार्क का, ठीक है, जवाहरलाल ऑर्गेनिक पार्क है। अच्छा देखिए यहाँ से दो चीज़ याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनिक पार्क तो है ही लेकिन एक नेहरू पार्क भी है, ठीक है, तेनूघाट डैम हो गया, जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनिक पार्क, नेहरू पार्क, उसके बाद दुर्गापुर हिल पहाड़ी जिसको बोल सकते हैं, सिटी पार्क है यहाँ पे, चंद्रपुरा बर्ड सेंचुरी, चंद्रपुरा पक्षी विहार है यहाँ पे, और तेनूघाट पक्षी विहार है, तेनूघाट बर्ड सेंचुरी है। हिस्ट्री अगर बात करेंगे रिवॉल्ट वगैरह की तो इसका भी कुछ खास योगदान नहीं है रिवॉल्ट में, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग और आ जाते हैं अब धनबाद के बारे में, जो कि धनबाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट डिस्ट्रिक्ट छोटापुर छोटा नागपुर का, ठीक है, छोटा नागपुर का लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन होगा तो धनबाद होगा। इसके बाद साउथ छोटा नागपुर में, नॉर्थ छोटा नागपुर का, सॉरी छोटा नागपुर का नहीं, नॉर्थ छोटा नागपुर का, फिर हम लोग साउथ में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इसका मैप है, इसमें जो NH है वो NH2 है और NH32 है, ठीक है, NH32 है जो कि बोकारो की तरफ चला जाता है, और यहाँ से जो NH2 है धनबाद की बात कर रहे हैं, ये औरंगाबाद चला जाता है, ठीक है, और ये रानीगंज की तरफ चला जाता है, निरसा रानीगंज की तरफ, वेस्ट बंगाल में चला जाता है ये। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये बात है कि सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुई, तो 1 नवंबर 1956 को हुई, कब बनाया गया 1 नवंबर 1956 को, बाउंड्री क्या है वेस्ट बंगाल है, इसमें वेस्ट बंगाल इसकी बाउंड्री आ रही है, हेडक्वार्टर धनबाद मिल रहा है, लिटरेसी रेट इसकी 74.5452% बहुत ही बढ़िया है, ब्लॉक बोलेंगे तो 10 है, सब डिवीज़न बोलेंगे तो 1 है, और असेंबली बोलेंगे तो 6 है, 6 कौन कौन सी असेंबली है, तो पहला धनबाद, दो धनबाद हो ही गया, दूसरा बागमारा, निरसा, झरिया, सिंदरी, टुंडी, ठीक है। रिवर की बात करेंगे अगर तो दामोदर है, बराकर है और गोबई है, गोबई दामोदर के बारे में पता है आपको, टोरी लातेहार से निकलता है, बराकर के बारे में पता है आपको, पद्मा हजारीबाग से निकलता है, हजारीबाग प्लेटियो से, और गोबई एक नदी है। मिनरल की अगर बात करेंगे तो कोल पाया जाता है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, फायर क्ले और थोरियम, ठीक है। इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्री कौन कौन सी है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि सिंदरी में है ना, ये फर्स्ट इंडस्ट्री रही फर्टिलाइजर की पूरे इंडिया में, पहली इंडस्ट्री थी। रिलायंस है, फायर ब्रिक्स एंड पॉटरीज कंपनी चिरकुंडा में है, बिहार फायर ब्रिक्स, मगमा, सालीमार वायर प्रोडक्ट्स, झरिया, ठीक है। उसके बाद धनबाद इंजीनियरिंग वर्क, कुमार डोबी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और BCCL, ठीक है, इतनी सारी हैं जो यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं। टूरिज्म अगर घूमने फिरने की बात करेंगे तो मैथन डैम है जो कि बराकर रिवर में है, पंचेत डैम जो कि दामोदर रिवर पे है, कहाँ की बात कर रहे हैं तो धनबाद की बात कर रहे हैं, याद रखोगे, ठीक है, बराकर रिवर पंचेत दामोदर में है, उसके बाद तोप चाची लेक है यहीं पर, ठीक है, उसके बाद पंचकोट किला है यहाँ पर, और झरियाघर महल भी है यहाँ पर, झरियाघर महल या फिर पैलेस जिसको बोल सकते हैं, झरियाघर पैलेस है कहाँ पर, यहीं पर धनबाद में, मैथन डैम, मैथन, पंचेत, मेन चीज़ याद रखने की एक मैथन किस में है तो बराकर में, पंचेत किस में है तो दामोदर में है, ठीक है। उसके बाद टू तो चाची लेक इसमें है और पंचकोट फोर्ट इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करेंगे तो ISM जो कि अभी IIT धनबाद है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी तो 1926 में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड रिसर्च ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी तो 2007 में हुआ था। BIT सिंदरी जो कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी 1949 को हुई थी। धनबाद लॉ कॉलेज, इसकी फॉर्मेशन कब हुई तो 1976 को हुई। तो ये इन सब का इस तरह का फॉर्मेशन है, मैं ज़्यादा इसको खिंच-पिच ना कर दूं ताकि आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं या फिर आप बार बार ठीक भी लेंगे तो याद हो जाएगा।
अदर फैक्ट की बात करेंगे तो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, मतलब पॉपुलेशन के मामले में दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो वो धनबाद है। पहला कौन है, रांची है, याद रखेंगे पहला नंबर पे रांची फर्स्ट। दूसरी बात, मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर, मतलब कि कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। कितना है मैक्सिमम डेंसिटी पॉपुलेशन है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो है यहाँ पर पूरा इसमें, क्या बोलते हैं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, पूरा झारखंड की अगर बात करेंगे तो। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर नहीं, एक लास्ट जो डिवीजन बचा हुआ है साउथ, छोटा नागपुर डिवीजन, और जिसमें कि आते हैं कुल 5 जिले, रांची, गुमला, रांची के बाद खूटी बोल सकते हैं, रांची, खूटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए, रांची, खूटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। सबसे पहले पढ़ेंगे रांची के बारे में। ये रांची की का खूबसूरत सा मैप इधर दिख रहा है, इसमें आपको NH-75 दिख रहा है, NH-33 दिख रहा है, NH-23 दिख रहा है, और एक और NH इधर से दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा, और ये रांची बीचों बीच में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी अगर बाउंड्री देखेंगे तो इधर देखिए, एक वेस्ट बंगाल से इसकी बाउंड्री लग रही है, तो मैप से ही बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया हमें। अब देखते हैं यहाँ से एक एक पॉइंट को क्या क्या है। फॉर्मेशन कब हुई, 1899 को। बाउंड्री क्या है, वेस्ट बंगाल है। बाउंड्री क्या है, सॉरी कहाँ चला गया भाई, हाँ बाउंड्री क्या है, वेस्ट बंगाल है, हेडक्वार्टर रांची, और एरिया इसकी कितनी है। एरिया इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अगर राजधानी है तो हो सकता है सवाल पूछ ले, इसलिए लिख दिया। एरिया कितनी है, तो 5000 किलोमीटर स्क्वायर आप रफली याद रख सकते हैं ऐसे, हालांकि 5100 भी रख सकते हैं, 5997 भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉपुलेशन कितनी है इसकी, मोस्ट पॉपुलस है इसलिए पॉपुलेशन भी लिख दिया, 21,14,253। तो 21,15,000 ये पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कब की है, 2011 के जनगणना के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से। लिटरेसी सबसे ज़्यादा 76.606%, हालांकि ये ब्लॉक की बात करेंगे तो 18 ब्लॉक है, सब डिवीज़न की बात करेंगे तो 2 है, असेंबली 7 है, 7 है, और ये सबसे बड़ी असेंबली वाली क्षेत्र है, मतलब कि झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा विधायक रांची से चुनकर जाते हैं। इसमें कितने कौन कौन से असेंबली हैं, रांची, हटिया, कांके, मांडर, तो तमाड़, सिल्ली और खिजरी, तो इतने सारे असेंबली हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं। अच्छा, एक सवाल मैं पूछूं कि पहले जो पार्ट वन रिवीजन वीडियो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसमें मैंने बताया है आपको कि सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, सबसे ज़्यादा प्रखंड किस में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप अगर देखे हो तो आंसर कीजिए, और नहीं पता है तो आप जा करके देखिए, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको ओवरऑल बहुत चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लगभग और लगभग चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको नोट्स अपने लिए बनाया है, तो आप समझ लीजिए, तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। रिवर क्या है, स्वर्ण रेखा रिवर है यहाँ पर एक, जिसकी इम्पॉर्टेंस ये है रांची में, देखिए रांची को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ढंग से। स्वर्ण रेखा रिवर है, निकलती कहाँ से है, नगड़ी रांची से। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हुंडरू वाटरफॉल का निर्माण यही करती है, और हुंडरू वाटरफॉल सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है पूरा झारखंड में। फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, तो वो है बूढ़ा घाघ, ठीक है, या लोध घाघ, ठीक, ये दो एक ही नाम है दोनों का, वो है सबसे ऊंचा, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 137 मीटर, ठीक है। और सेकेंड हाईएस्ट जो कौन है, हुंडरू जलप्रपात, और ये है कहाँ, तो लातेहार में है। फर्स्ट हाईएस्ट वाला की बात कर रहा हूँ, बूढ़ा घाघ का। दूसरा कौन है, स्वर्ण रेखा नदी पर है जो हुंडरू वाटरफॉल, और 98 मीटर है, और 321 फीट है, वो अलग बात है। ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन है इसकी, स्वर्ण रेखा में कौन कौन सी नदी जाकर मिलती है, तो स्वर्ण रेखा में एक राढ़ू मिलती है, कांची मिलती है, खरकई मिलती है, जुमरू मिलती है, जुमारू मिलती है, और संजय मिलता है, ठीक है। इतने सारी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इनमें जाकर स्वर्णरेखा में मिल जाती है, सहायक नदियां हैं इनकी। इसमें से दो नदी इंपॉर्टेंट है, राढ़ू और कांची, क्योंकि राढ़ू में
जो एक फॉल है बनता है जोन्हा, या जिसका नाम है गौतम धारा। गौतम धारा इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने आकर स्नान किया था। तो ये है कहाँ, राडू में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 17 मीटर और 56 फीट। ठीक है, और कांची नदी में दशम है या दसोंग है। इसका नाम दशम इसलिए है क्योंकि 10 धाराओं में बढ़ जाती है जब ये फॉल ऊपर से गिरता है तब। इसकी हाइट 44 फीट है और 140 मीटर या फिर 130 फीट। इसको ऐसे समझिए, देखिए स्वर्ण रेखा नदी है ये, ठीक है, सॉरी ये है स्वर्ण रेखा, अरे यार क्या हो रहा है, ये है स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ ये स्वर्ण रेखा नदी है। इसमें कौन सा है, हुंडरू फॉल, ठीक। इसमें दो नदियाँ मिलती हैं, एक राढ़ू और एक इधर से मिला देते हैं हम कांची। राढ़ू में है कौन सा फॉल, तो जोन्हा या फिर गौतम धारा फॉल, ठीक है। इसकी मान्यता क्या है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर स्नान किए थे। 17 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। कांची नदी में कौन सा है, तो दशम या फिर दसोंग, दशम या फिर दसोंग। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 40 मीटर। दशम या दसोंग क्यों नाम है, क्योंकि 10 धाराओं में बट जाती है जब ये फॉल गिरता है। नेक्स्ट जो टूरिज्म प्लेस है वो जो नेक्स्ट नदी है वो साउथ कोयल है, जो कि नगड़ी रांची से निकलती है, ठीक है। नगड़ी रांची से दो नदियां, सवर्ण रेखा और आपका ये साउथ कोयल, ठीक है, सवर्ण रेखा और साउथ कोयल, ठीक है। उसके बाद शंख नदी है, जो शंख नदी निकलती है वो गुमला से निकलती है, चैनपुर गुमला से, और एक नदी है हरमू नदी। तो कौन कौन सी नदी बताया, स्वर्ण रेखा नदी, साउथ कोयल, शंख और हरमू। साउथ कोयल और स्वर्ण रेखा नगड़ी रांची से निकलती है और शंख चैनपुर गुमला से निकलती है। मिनरल्स की अगर बात करोगे तो मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें रांची में पाई जाती हैं वो कोल है, लाइमस्टोन है, फायर क्ले है, ग्रेनाइट है, चाइना क्ले है, जिंक है, टीन है, एबस्टस है, थोरियम है और इल्मेनाइट है। इतनी तरह के मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्री है यहाँ अच्छी खासी। वो कौन सी है, HEC, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो कि कहाँ है, रांची में है। इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन मूरी में है। ACC सीमेंट लिमिटेड खलारी में है। उषा मार्टिन कंपनी नामकुम में है। और गार्डन रिच, एक और जो है यहाँ पर इंडस्ट्री, वो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड रांची में है ये। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद टूरिज़्म की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो टूरिज़्म में सबसे पहले आता है हुंडरू फॉल, जिसके बारे में बता दिया कि सवर्ण रेखा नदी पर है, 98 मीटर है और सेकेंड हाइएस्ट ये वाटरफॉल है। कहाँ पे, तो झारखंड में, ठीक है। जोन्हा या गौतम धारा वाटरफॉल ये तो बताया कि इसमें है राढ़ू नदी में, और राढ़ू स्वर्ण रेखा की सहायक है। कांची भी स्वर्ण रेखा की सहायक है, और कांची रिवर में कौन सी है, दशम है ना। सबसे ज़्यादा वाटरफॉल, एक चीज़ बताता हूँ, सबसे ज़्यादा वाटरफॉल कहीं पर है, तो वो रांची में है। कितने वाटरफॉल है, 7, जो कि खोजे गए हुए हैं, 7 वाटरफॉल है। सीता वाटरफॉल ये राढ़ू नदी पर ही है, ठीक है। राढ़ू नदी और कांची नदी पे 2 वाटरफॉल 3 वाटरफॉल मिला करके, और 1 सवर्ण रेखा पे। उसके बाद सोनुआ वाटरफॉल, फिर तिरु फॉल, और एक फिर लास्ट में आता है वो पंगूरा फॉल, ठीक है। तो इतने सारे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉल है। बाकी टूरिज्म प्लेस कौन सा हो गया, टैगोर हिल, जो जिसका पुराना नाम है मोराबादी हिल, फिर पहाड़ी टेम्पल हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, फिर बिरसा ऑर्गेनिक पार्क हो गया, जो कि ओरमांझी में है, मैक्लुस्कीगंज है ना। और मैक्लुस्कीगंज की जो स्थापना किए थे, जो इसको इस्टेब्लिश किए थे, वो कौन थे, अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की। इन्हीं के नाम पे मैक्लुस्कीगंज बनाया गया। कहने का मतलब है कि इनमें हुआ क्या था कि मैक्लुस्कीगंज रांची से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि 300 लोगों को लेकर के एक गांव बनाया गया था, एक आप बोलिए मॉडर्नाइज्ड गांव, या फिर एक जगह को बनाया गया था जिसमें कि 300 के 300 लोग क्या थे, वो एंग्लो इंडियंस थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, जो कि इंडिया में रह रहे थे, ठीक है।
फिर यहाँ पे गेतल सूद डैम है और मांझी में। देखिए गेतल सूद आ गया, तो गेतल सूद में मैं एक करंट अफेयर्स आपको बता देता हूँ कि गेतल सूद में 100 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, फ्लोटिंग पावर प्लांट, और वो भी क्या, सोलर पावर प्लांट, मतलब सबको अगर मिला दें तो क्या बनेगा, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वो भी कितना, 100 मेगावाट का, ये बनाने की बात करी गई है। किसमें, गेतल सूद डैम में। अच्छा, गेतल सूद डैम का ही दूसरा नाम क्या है, रुक्का डैम। क्या नाम है, रुक्का डैम, ठीक है। रॉक गार्डन यहीं पर है, नक्षत्र वन यहीं पर है, रातू फोर्ट किला यहीं पर है, उसके बाद सिद्धू कानू पार्क यहाँ पर है, और योगी और क्या है, योगदा मठ आश्रम भी यहीं पर है। टाइगर हिल की अगर थोड़ी सी बात कर लें तो टाइगर हिल में क्या है कि मसोलियम, जिसको बोलते हैं समाधि, है ना, वो है किसकी, तो ज्योतिद्रनाथ टैगोर की, जो कि बड़े भाई थे किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के, तो हो सकता है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद टैगोर हिल में दो चीज़ें हैं, टैगोर हिल की चोटी पर है एक क्या, सांतालय, है ना, सांतालय, और वो है कहाँ, टाइगर हिल के टॉप पे, और दूसरा क्या है, सत्यधाम, जो कि बिलो द टाइगर हिल, टाइगर हिल के नीचे में है। ये सांतालय और सत्यधाम क्यों आया, ये ज्योतिद्रनाथ टैगोर ने ही ऊपर वाले नाम को सांतालय दिया था, जहाँ पर ये जाकर के शांति के लिए मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे, तो इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, सांतालय। सत्याधाम भी इन्हीं का बनाया हुआ है नीचे, ठीक है। रिलीजियस पैलेस की बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो रिलीजियस पैलेस में सूर्य मंदिर है, सूर्य टेंपल, सन टेंपल, देवड़ी टेंपल है, पहाड़ी टेंपल है, जगन्नाथ टेंपल है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिलीजियस पैलेस। एजुकेशनल की अगर बात करेंगे तो देखो, एजुकेशनल में यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें कि एजुकेशनल के लिए, वीडियो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके JPSC और JSSC इसमें प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल को खोलिए, उसके बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताई गई है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से बहुत सारी ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अदर फैक्ट्स अगर देखें हम लोग रांची के बारे में, तो रांची में अदर फैक्ट्स में सबसे पहले मैक्सिमम पॉपुलेशन आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, दैट इज 76% ओवरऑल, मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट है 84%, यहाँ के पुरुष पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, मैक्सिमम फीमेल भी यहीं पर है रांची में 67.5%, मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहीं पे है, अनुसूचित जाति और जनजाति, मैक्सिमम असेंबली सीट भी यहीं पे है, तो ये कितना है, 7, ये भी याद रखना, मैक्सिमम तो है लेकिन 7 भी है। मिनिमम वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका असेंबली सीट मिनिमम है, तो वो एक है कोडरमा, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े है ना। हिस्ट्री की अगर बात करें तो थोड़ी सी हिस्ट्री इसकी ये है रिवॉल्ट्स में, कि तमाड़ रिवॉल्ट जो हुआ था 1782 और 1821 तक, लगभग 40 साल तक चलने वाला, जो 39 साल तक जो रिवॉल्ट चलने वाला था वो तमाड़ था, कई फेजेस में स्टार्ट हुए थे, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ब्लडी खूनी विद्रोह जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको शुरू करने वाले थे मुंडा ट्राइब, है ना, मुंडा ट्राइब, लेकिन इसको पहली बार लीडरशिप किसने किया, तो ये भोलानाथ सिंह ने किया था, तो भोलानाथ सिंह और इनके साथी मुंडा ट्राइब्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। किसके विरुद्ध स्टार्ट किया गया था, तो उस समय जो बाहरी हुआ करते थे ना, दीकूज जिसका नाम था, जो यहाँ पे नहीं रहते थे, बाहरी रहा करते थे, और दूसरा बात है कि नागवंशी रूलर के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। 6 फेजेस में हुआ था तमाड़ रिवॉल्ट, कितने, 6 फेजेस में हुए थे। कोल रिवॉल्ट की बात करेंगे तो कोल रिवॉल्ट तो पूरे झारखंड में हुआ था, एक्सेप्ट कहाँ पे, याद रखना है आपको, हजारीबाग, सिर्फ हजारीबाग का एरिया था जहाँ पे कोल रिवॉल्ट नहीं हुआ था 1831-32 में, और इसी रिवॉल्ट का नतीजा था, मैं एक बार और बता देता हूँ कि इसके जस्ट बाद हुआ था भूमिज रिवॉल्ट, ठीक है, भूमिज रिवॉल्ट 32 और 33
थ्री में हुआ था, 1832 और 32 में। और यही दोनों रिवॉल्यूशन का रिवॉल्ट का नतीजा था कि बाद में विल्किंसन्स रूल लाया गया कोल्हान डिवीज़न में। ठीक है, मुंडा उलगुलान या बिरसा रिवॉल्ट जिसको बोलते हैं, 1895 और 1900 में के बीच में हुआ था ये रिवॉल्ट। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये रांची में हुआ था, खूंटी इसका जो मुख्य मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था, है ना, खूंटी हेडक्वार्टर था मुंडा उलगुलान का। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। और कौन थे उस समय दमनकर्ता, या फिर कौन थे उस समय ब्रिटिशर्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो कि, या फिर डीसी बोल सकते हैं, उस समय कौन थे रांची के, तो स्ट्रेट फील्ड वॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, है ना, स्ट्रेट फील्ड। खूंटी इसका हेडक्वार्टर था, बता ही दिया मैंने आपको। हुआ यूं कि 3 मार्च 1900 को 1895 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एक और चीज़ बता दूं कि बिरसा मुंडा जब स्टार्ट किए आंदोलन, वो तब मात्र और मात्र 25 साल के थे, मतलब यंगेस्ट कह सकते हैं आप। 3 मार्च 1900 को हुआ क्या कि बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया, और वो तब अरेस्ट किया गया जब वो सो रहे थे कहाँ, तो जमकोपई फॉरेस्ट में, जमकोपई जंगल में वो सोते हुए पाए गए। तब जाकर के उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने उनको गिरफ्तार किया, और उसके बाद रांची के जेल में रखा उसको। और रांची के जेल में 9 जून 1900 को ही ये अपना दम तोड़ दिए, उनकी डेथ हो गई, और डेथ की वजह बताई गई हैजा यानी कोलेरा। ठीक है, और इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहा जाता है कि 1908 में आपका जा करके बना कौन सा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, 11 नवंबर 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बन गया। तो रांची कवर हो गया, ऐसे रांची में बहुत सारे फैक्ट थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अब देखते हैं हम लोग खूंटी के बारे में। तो खूंटी की फॉर्मेशन भी हुई लास्ट में, जब रामगढ़ का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ इसका फॉर्मेशन 12 सितंबर 2007 में हुआ। ठीक है, ये रहा खूंटी का आपका मैप, यहाँ से देख सकते हैं बाकी चीज़ें। हेडक्वार्टर खूंटी में ही है, लिटरेसी रेट 63.86% है, 86 नहीं 86। ब्लॉक कितने हैं, 6 हैं, सब डिवीज़न खूंटी है, और असेंबली 2 क्षेत्र हैं, जो कि 2 MLA यहाँ से चुन कर आते हैं, खूंटी और तोरपा। खूंटी और तोरपा रिवर की अगर बात करें तो कांची रिवर है, कारो रिवर है, खरकई रिवर है, और बनई रिवर है। कांची रिवर में बता दिया आपको दसम या दसोंग वाटरफॉल है, जो कि रांची में है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रांची में बनई रिवर में पंचघाग वाटरफॉल है, जो कि खूंटी में ही है। तो आपको ये याद रख सकते हैं कि पंचघाग वाटरफॉल जो कि खूंटी में है, वो कौन से रिवर पर है। दूसरा, और दो नदी बता दिया आपको, कार्लो और खरकई, है ना, खरकई। उसके बाद मिनरल की अगर बात करें तो मिनरल में पाया जाता है लाइमस्टोन, बिल्डिंग स्टोन, टूरिज्म, अच्छा लाइमस्टोन और बिल्डिंग स्टोन मेनली बेसिकली, और इससे ज़्यादा नहीं। टूरिज्म की अगर बात करोगे तो पंचघाग वाटरफॉल यहाँ पर है, जो बता दिया बनई रिवर पर है। ठीक है, उसके बाद रानी वाटरफॉल है यहीं पर, है ना, रानी वाटरफॉल जो कि तजना रिवर पर है। देखिए मुख्य नदियाँ तो मैंने लिख के आपको बता दिया। ठीक है, जैसे कि मुख्य नदियों में से कौन कौन सा था, बनई था, कांची था, कारो और खरकई था। ठीक है, और बाकी तजनी रिवर में रानी वाटरफॉल है। बिरसा डियर पार्क यहीं पर है, बिरसा हिरन पार्क जिसको बोल सकते हैं आप लोग। उसके बाद डोंबारी हिल यहीं पर है। डोंबारी की एक कहानी है कि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे रिलेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड में भी जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करा दी थी, एक संगठित लोगों पे, एक जगह पे इकट्ठे हुए थे लोग वहाँ पे हजार की मौत हो गई थी। तो डोंबारी भी हिल में भी एक कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। हुआ यूँ कि 9 जनवरी 1899, आपको याद होगा कि 1895 से मैंने बोला कि 1900 तक चला क्या बिरसा आंदोलन, यार ये बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था, तो इसी के बीच में आया 1899। तो 1899 में ड्यूरिंग बिरसा रिवोल्ट इनके जो 12 अनुयायी थे, जो 12 इनके फॉलोअर थे, वो
और बहुत सारे सराउंडिंग लोग वहाँ अगल बगल के गांव के लोग वहाँ पे जुटे हुए थे और एक मीटिंग कर रहे थे। तभी पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया इस पहाड़ी के सामने और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिनमें कि कितने लोग, 100, 200, 500, हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, रिलीजियस पैलेस प्लेस की बात करेंगे अगर हम लोग खूंटी में, तो शिव टेम्पल है और अमरेश्वर धाम है यहाँ पर। अदर फैक्ट्स की बात करोगे तो मोस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज यहीं पर है, दैट इज़ 73.25%। अगर रिवॉल्ट की बात करेंगे तो मुंडा रिवॉल्ट की बात तो अभी हम लोग कर ही लिए थे इससे पहले, रांची वाले, रांची डिस्ट्रिक्ट में, कि इनका जो 1895 से 1900 तक मुंडा रिवॉल्ट, मुंडा और गुलान चला था, उसमें खूंटी हेडक्वार्टर था और इसमें जो दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो स्ट्रीट फील्ड थे और एक फारबेस थे, फारबेस और स्ट्रीट फील्ड। तो ये रहा हमारा खूंटी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं गुमला और फिर बचेगा सिमडेगा और फिर लोहरदगा। ठीक है, तो गुमला में क्या है कि गुमला में, गुमला का ये आपको मैप दिख रहा है, सॉरी, इसकी फॉर्मेशन 1983 को हुई, 1983 को। बाउंड्री की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के ओर ये लगता है ना, और इसका हेडक्वार्टर गुमला ही है। लिटरेसी रेट 75.5%, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, हाँ बोल सकते हैं। ब्लॉक कितना है, हाँ ब्लॉक 12 है, 12 ब्लॉक। सब डिवीज़न की अगर बात करेंगे तो 3 है, दैट इज गुमला, चैनपुर और बिसिया। गुमला, चैनपुर, बिसिया, चैनपुर से ही एक नदी निकलती है, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, अभी फिर बताएंगे, कोई बात नहीं है। असेंबली यानी विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा है, तो विधानसभा क्षेत्र है आपका 3, गुमला, सिसई और बिसुनपुर। ठीक है, रिवर की अगर बात करेंगे तो एक संख है और एक साउथ कोयल है। साउथ कोयल तो नगड़ी रांची से निकलती हैं, संख कहाँ से निकलती है, तो चैनपुर गुमला से। मिनरल की अगर बात करेंगे तो मिनरल में यहाँ पाए जाने वाले मिनरल, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सीसा है, क्वार्ट्ज है, काइनाइट है और लोहा है। ये सब चीज़ मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। टूरिज़्म अगर बोलेंगे तो टूरिज़्म में सबसे पहले ये जो वाटरफॉल है वो कौन सा है, हेपदा वाटरफॉल, नागफनी वाटरफॉल, सदनी वाटरफॉल, प्रेम घाग वाटरफॉल और सिर का वाटरफॉल। ये 5 वाटरफॉल हैं जो कि हमारे गुमला डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। गुमला डिस्ट्रिक्ट में और जो टूरिज़्म वाली चीज़ें हैं वो पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसकी फॉर्मेशन 1990 में हुई थी और इसमें मुख्यतः जो जानवर पाए जाते हैं वो तेंदुआ यानी लियोपार्ड और जंगली भालू वाइल्ड बियर पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, नवरत्नगढ़ फोर्ट, नवरत्नगढ़ का किला यहीं पर है, पालकोट का महल, पालकोट पैलेस यहीं पर है और नागफेनी पैलेस यानी नागफेनी का महल भी यहीं गुमला में है। तो महल के मामले में 2-3 चीज़ें जगह बहुत फेमस है, गुमला, एक पलामू किला के मामले में, महल के मामले में ये ये हो गया गुमला है ना। रिलीजियस पैलेस प्लेसेस की बात करेंगे अगर, तो रिलीजियस धार्मिक स्थान कौन कौन से हैं, तो वासुदेव रानी राय टेम्पल है, उसके बाद महामाया टेम्पल है, फिर अंजन धान धाम टेम्पल है। ये आया हुआ है सवाल प्रीवियस ईयर में, ध्यान रखेंगे। कहाँ है, तो गुमला में है। टांगीनाथ टेम्पल कहाँ है, तो ये भी गुमला में है। ये इस बार चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर में आ जाएं, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर या फिर दिस ईयर। ठीक है, TY, थैंक यू, थैंक यू। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट में टाना भगत रिवॉल्ट, सबसे पहला रिवॉल्ट इम्पॉर्टेंट जो है टाना भगत रिवॉल्ट, जो कि गुमला के क्षेत्र में हुआ। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अगर कर लें तो जतरा भगत या उरांव, जतरा उरांव या जतरा भगत बोला जाता है कि इनके लीडर रहे। एक्सपेंशन ऑफ बिरसा रिवॉल्ट भी रहा, ये एक तरह का कल्चरल रिवॉल्ट था ये, है ना, मतलब सत्संग वाला एक तरह का रिवॉल्ट था। सेल्फ रूल इसका एम था कि स्वशासन लाएंगे हम लोग, इसीलिए ये टाना भगतों का आंदोलन था। और मैं बता दूं कि ये गांधी जी से बहुत ही इंस्पायर्ड आंदोलन था और इसी आंदोलन को कुरुख धर्म का मूवमेंट भी बोला गया, कुरुख धर्म का आंदोलन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन सा,
ये कुरुक धर्म का आंदोलन, ठीक है, इंस्पायर्ड बाय गांधी जी तो थे ही, और तभी जा करके जब गांधी जी 1940 में रामगढ़ सेशन, कांग्रेस सेशन में आए थे, तब टाना भगतों ने, हालांकि तब तक जतरा उरांव नहीं जिंदा थे, लेकिन टाना उनके जो फॉलोअर थे इन आंदोलन में, जो भी फॉलोअर थे, जो भी लोग थे, उनको टाना भगत बोला जाता था, भगतों बोला जाता था। तो उन्होंने 400 रुपये भेंट करे थे जा करके गांधी जी को, फॉर द पर्पस कि रिवॉल्यूशन में ये काम आ सके, आज़ादी की लड़ाई में काम आ सके। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखते हैं अब, जो कि है हमारे सामने सिमडेगा। सिमडेगा में क्या किया, फॉर्मेशन इसका 2001 में हुआ, ठीक है, 2001 में फॉर्मेशन हुआ। मैं आपको एक लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कि फॉर्मेशन कैसे कैसे हुए लास्ट में, क्या, चलो अभी बता देता हूँ यार। लाज देखो, याद रखो, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन आफ्टर आज़ादी, आफ्टर सेपरेशन ऑफ झारखंड की बात कर रहा हूँ, उससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे और बाद में। पहले देखिए 18 डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, तब जा कर के मतलब 6 डिवीज़न हो कर के फिर 24 डिस्ट्रिक्ट बन गए झारखंड में। मैं बताता हूँ इसका ट्रिक एक, लाज शर्म सब खो रहे। देखिए क्या क्या है ट्रिक, लाज मतलब ल से लातेहार, ज से जामताड़ा, और स से सिमडेगा, और यहाँ से स से एक आता है आपका, कौन सा आएगा, ये कौन सा आएगा, सरायकेला खरसावा, देखिए सॉरी सॉरी, हाँ ये स से सिमडेगा आएगा, ये स से सरायकेला खरसावा। कहने का मतलब है कि ये जो चार हैं, ये 2000 सॉरी 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 ये 2001 में बने और ये 2007 में बने। खो रहे का मतलब खो से खूंटी और रहे से रामगढ़, ठीक है, लाज शर्म सब खो रहे, याद रखिए बेहतर है, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे किसका हम लोग, तो सिमडेगा का। सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 में बना। इसका जो बाउंड्री है दो स्टेट को टच करती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। हेडक्वार्टर सिमडेगा है। लिटरेसी 68%, ब्लॉक 10 हैं इसमें, सब डिवीज़न एक है, और असेंबली सिमडेगा और कोलबेरिया है ना, दो असेंबली हैं यहाँ पर। रिवर की बात करेंगे तो मेनली दो रिवर हैं, साउथ कोयल जो कि नगड़ी रांची से निकलती है, और दूसरा संख जो कि गुमला चैनपुर से निकलती है। मिनरल्स की अगर बात करेंगे तो कोई खास नहीं है, क्वार्ट्ज और लाइमस्टोन चूना पत्थर मिलता है यहाँ पर। अदर फैक्ट्स की अगर बात करेंगे तो मिनिमम डेंसिटी पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि 159 लोग मात्र रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। मोस्ट पॉपुलस डेंसिटी कौन है, तो रांची, उसके बाद धनबाद सेकेंड नंबर पे, ठीक है। और फिर ये हमारा मिनिमम कौन सा हुआ, तो मिनिमम हुआ आपका सिमडेगा, ठीक है। टूरिज्म प्लेस की अगर बात करें तो टूरिज्म में यहाँ पे केला ग्रह वाटरफॉल है, केला घाग वाटरफॉल, ग्रह नहीं, केला घाग वाटरफॉल है, और संगा कट्टा संगा कट्टा घाग वाटरफॉल है, संगा कट्टा घाग वाटरफॉल। देखिए केला घाग वाटरफॉल कितना है, चिंदा नदी पर, छिंदा चिंदा नहीं छिंदा, इसको हिंदी में बोलेंगे अगर तो छिंदा ऐसे, ठीक है, छिंदा रिवर पर, छिंदा नदी पर, और संगा काटा घाग वाटरफॉल है वो संख रिवर पर है। तो ये था सिमडेगा के बारे में, और नेक्स्ट देखते हैं लास्ट लोहरदगा के बारे में। लोहरदगा का मैप यहाँ पर दिख रहा है आपको। लोहरदगा का फॉर्मेशन 1983 में हुआ, हेडक्वार्टर लोहरदगा इट्सेल्फ, लिटरेसी रेट 67%, ब्लॉक 7, सब डिवीज़न एक जो कि लोहरदगा है, और असेंबली भी एक जो कि लोहरदगा ही है। रिवर की बात करें तो साउथ कोयल, और जो कि नगड़ी रांची से निकलती है। लोहरदगा में एक रिवर, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मिनरल्स की अगर बात करें तो बॉक्साइट और क्ले मिलता है ये, बॉक्साइट और क्ले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदा कॉलेज है यहाँ पे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि लोहरदगा से सवाल बनाना चाहिए हमें लगता है, कि गवर्नमेंट
आयुर्वेदा कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है? एकमात्र गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो है झारखंड में वो यही है। ठीक, कहाँ पर है ये? तो लोहरदगा में है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसलिए बोला क्योंकि ये राजकीय है ना, राष्ट्रीय नहीं है, राज्य सरकार की है। टूरिज्म की अगर बात करेंगे तो घघरिया वाटरफॉल है, सॉरी घरघरिया वाटरफॉल और नंदी वाटरफॉल, घरघरिया और नंदी। अदर फैक्ट्स की अगर बात करोगे तो अदर फैक्ट्स में मिनिमम पॉपुलेशन है यहाँ पर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4.60 लाख आदमी, 4,60,000 आदमी है सिर्फ यहाँ पर, और मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ एसटी, मतलब जो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। कहाँ पर? तो लोहरदगा पर है। तो ये था डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो जिसको मैंने पूरा का पूरा कवर कर दिया। संथाल परगना से चला, संथाल परगना, कोल्हान डिवीज़न और पलामू डिवीज़न, ये तीनों डिवीज़न के 12 डिस्ट्रिक्ट को पार्ट वन में कवर किया हुआ है, और बाकी नॉर्थ छोटा नागपुर और साउथ छोटा नागपुर का 12 डिस्ट्रिक्ट को इस पार्ट टू में कवर किया हुआ है। तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपका, इसको देखिए, बार बार देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक बना देना एक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।